अच्छा वो जो जो अरिजीत सिंह की स्लिप शानदार जो वो गाने गाता है ना, वो सैड सॉन्ग आता है तो वो मजा आता है सुनने का। और जो आतिफ असलम गाता है सैड सॉन्ग, ऐसे लगता है उसने वो नहीं पी चर्स पी होती, उस तरह का हिसाब होता है। इसलिए उसके जो है ना सैड सॉन्ग और अरिजीत के सैड सॉन्ग में जमीन आसमान का मुझे सबसे अरिजीत सिंह पसंद है। मगर आतिफ असलम जो है ना अब इतना खास नहीं, मुझे अरिजीत सिंह के मैं काफ़ी गाने सुनता हूँ। नो डाउट आतिफ असलम भी बहुत अच्छा सिंगर है, लेकिन अरिजीत सिंह की बात की तो अरिजीत सिंह का तो बिल्कुल मुकाबला ही नहीं है ना। सर आज हम कंपैरिजन करने लगे हैं अरिजीत सिंह वर्सेस आतिफ असलम, आपको दोनों में से कौन सा सिंगर सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे सबसे ज्यादा अरिजीत सिंह पसंद है। वाओ दैट्स ग्रेट। मतलब आपको ये होता है ना कि किसी को काफी शुरू से पसंद है, जब से वो स्टार्ट हुआ है या कोई उसका गाना पॉपुलर हुआ है तब पसंद है? नहीं, मुझे उसके तकरीबन उसके ना वो आशिकी 2 मूवी आई थी। अच्छा। तो उसके जितने भी गाने थे उसने गाए थे गाने, वो मुझे सारे पसंद आए। तो उससे पहले तो आतिफ का मुझे तेरे बिन गाना बहुत पसंद है, मगर आतिफ असलम जो है ना अब इतना खास नहीं, मुझे अरिजीत सिंह के मैं काफ़ी गाना सुनता हूँ। ठीक है सर, आप उनका कोई गाना आप हमें गुनगुना के सुना सकते हैं थोड़ा सा? एक दो लाइंस, तो लाइंस एक दो, इतनी भी बुरी आवाज़ नहीं है आपकी सर, एक दो लाइंस क्या हो गया सर? नहीं मुझे नहीं आता उसके गाने का सुनता हूँ, मगर मुझे किसी को डेडिकेट ही कर दें आप तब तब मेरे पास कोई आया नहीं जिसको मैं डेडिकेट। सर ये तो आप झूठ बोल, नहीं मैं आपको हंसी से पता चल मेरे पास है नहीं, मैं किसको डेडिकेट करूँ? और मैं ना गाता हूँ गाने नहीं, मैं गाता जो है मैं सुन लेता हूँ गाने। अच्छा। और मुझे अरिजीत सिंह के मुझे पहले मैं काफ़ी सुनता था, अब मैं अभी एक दो गाने आए तो मैंने सुना स्टार्ट में, अब उसके लिए भी टाइम नहीं होता क्योंकि पहले बहुत सुनता था फ्री था, अब आपको मेरा बिजी लाइफ हो गई इसलिए मुश्किल हो गया, वरना मैं इसके गाने बहुत गुनगुनाता था अरिजीत सिंह के आतिफ असलम के। अब अच्छा। अब तो अरिजीत सिंह पसंद है क्योंकि मुझे वो शुरू से पसंद है अरिजीत सिंह, जब का वो आया हुआ है इस मार्केट में, सिंगिंग मार्केट में आया हुआ। बिल्कुल आपने देखा उनके बड़े ज़बरदस्त हिट जो है वो सॉन्ग जाते हैं, वैसे ही वर्बली बता दें थोड़े नाम बता दें कि कौन कौन से उसके गाने हैं जो बड़े आपको लगते हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। अभी एक उसका क्या नाम है, एक रणबीर कपूर की मूवी का एक उसने गाना गाया बेकरार जी, सैड सॉन्ग है, मैं दिन में 5 बार सुनता हूँ मगर अभी तक याद नहीं हुआ मुझे। और उसके अलावा आशिकी 2 के उसने गाने गाए, वो मुझे टोटली सारे पसंद है, वो सैड सॉन्ग। अच्छा वो जो जो अरिजीत सिंह की स्लिप पसंद है जो वो गाने गाता है ना, वो सैड सॉन्ग आता है तो वो मज़ा आता है सुनने का। और जो आतिफ असलम गाता है सैड सॉन्ग, ऐसे लगता है उसने वो नहीं पी चर्स पी होती, उस तरह का हिसाब होता है। इसलिए उसके जो है ना सैड सॉन्ग और अरिजीत के सैड सॉन्ग में जमीन आसमान का। हाँ वैसे ये है कि उनके भी गाने नो डाउट बड़े अच्छे होते हैं और हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं वो उसके सैड सॉन्ग और अरिजीत सैड सॉन्ग में आप कंपेयर ना करें तो अच्छी बात, अरिजीत सिंह के जो लेवल का वो अब कोई हो नहीं सकता, और जी अरिजीत सिंह के जो सॉन्ग है ना वो। और आपके फ्रेंड्स वगैरह भी इनको लाइक करते हैं, होता है ना कि ग्रुप बैठते हैं कोई गाना हम कहते हैं गुनगुनाएं या लगाएं तो लोग। मेरे ज्यादा फ्रेंड जो है ना वो आतिफ असलम को और वो बिलाल सईद उसको लाइक करते हैं, अरिजीत सिंह को मोस्टली लोग लाइक करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर। और आतिफ असलम की बात असल ना अरिजीत सिंह एक है, मैंने कपिल शर्मा के लास्ट बात करूँ, कपिल शर्मा के शो में आया था, वो मुझे परेशान था मैं वो किस तरह गाने मतलब गाता, वो शर्मा ही बहुत ज़्यादा, तो जो हमारे आतिफ असलम उनका मैं उनके अंदर तकबर इतना है तो इसलिए मुझे वो आतिफ पसंद पसंद ही नहीं, क्योंकि अरिजीत सिंह का जो है। आपका दिल करेगा कि आप गाना सीखें या गुनगुनाएं या उसको गाने, किसी को होता है शौक हम सिंगिंग सिंगर बने या सिंग करें, आपको शौक है? हाँ मैंने कभी कभार दिल करता है सिंगिंग करूँ मैं, मगर वो करूँगा अरिजीत सिंह का सॉन्ग। आज हम बात कर रहे हैं टॉप सिंगर की, दो बड़े टॉप सिंगर हैं अरिजीत सिंह वर्सेस आतिफ असलम, आपको कौन पसंद? मुझे अरिजीत सिंह अच्छा ज़्यादा। कोई इनके लेवल का आपको लगता है कोई और हो सकता है सिंगर? नो, कोई अपकमिंग फ्यूचर में हो सकता है कोई इनको करता हो फॉलो या स्टाइल फॉलो या गाने का हो सकता है अपकमिंग? पंजाबी सिंगर है कौन? कतिंद्र सरताज। वो उनकी वॉइस भी बिल्कुल इनके जैसी है और उनके लिरिक्स उनकी वर्डिंग यार जान कह लेंगे छा जाते हैं, वो आप फील कर रहे होते हैं कि एक्चुअल में फीलिंग्स होती क्या है, प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है। अरिजीत सिंह और आतिफ असलम दोनों लेजेंड है, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। ठीक है आप ये बताएं दोनों में से गाना कोई एक तो होता है ना कि जिससे गाने आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं? अरिजीत सिंह, लेकिन मैं गा नहीं सकता क्योंकि उनका जो लेवल है वो टूटा फूटा ही गा दें किसी को खुशी कर दें। आतिफ असलम का मैं गा दूंगा। आतिफ असलम गा देंगे। अच्छा अरिजीत सिंह का भी आप? आतिफ असलम मैं छोटा सा तब से सुन रहा हूँ
अरिजीत सिंह जो है मुझे अभी 3-4 साल हो गए हैं, मुझे शौर आया म्यूज़िक की इंडस्ट्री में, तो मैंने इस वजह से उनको सुना और मुझे लेजेंड लगे वो। ठीक है, कोई वर्बली बता दें उनके कौन से गाने आपको ऐसे बता देने कौन से पसंद है? आशिकी 2 के गाने बहुत अच्छे हैं। तो आप क्या देखते हैं, अरिजीत सिंह अभी टॉप लेवल पे जा रहे हैं तो उनके लेवल का कोई अभी नज़र आता है आपको? बहुत सादा से बंदे हैं। एक लिहाजा पहले कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो वायरल होती है कि वो एक टूटी फूटी सी गली में है और टूटी फूसे गंदे से घर से बाहर आए हैं और एक बैग वाला वो थैला टाइप सा पकड़ा हुआ है और सिंपल सी स्कूटी में बैठ के जा रहे हैं। तो इतना सादा सा बंदा अल्लाह कैसे, वो तो पहले ही जमीन पे है तो इस वजह से उसकी सोच जो है ना आसमान पे अल्लाह ने। तो कुछ लोग फॉलो भी करते हैं, उनका क्या ऐसा स्टाइल है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? कुछ होते हैं लोग उनको फॉलो करते हैं, बेस कोट वाला स्टाइल जो है ना शर्ट के ऊपर वो बड़ा अच्छा है, सूट करता है। तो होता है ना कि जैसे हमारे सिंगर मतलब जो अच्छा लगे उसको हम स्टाइल करना करना पसंद करते हैं। कोई भी शो हो तो उन्होंने सिंपल सी ब्लैक शर्ट और या कोई भी कलर शर्ट डाली होती है, उसके ऊपर बेस कोट डाली होती है, उनको सूट करती है, माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं। देखा जाए तो दोनों ही टॉप में है मेरी लिस्ट में, लेकिन अरिजीत सिंह मुझे ज्यादा फेवरेट है, उसके सॉन्ग मैं ज्यादा सुनती हूँ। ठीक है, तो आपको कौन सा गाना सबसे ज्यादा अच्छा लगा? उसके तो जैसे कि ये मूवी आशिकी आई थी, उनके सारे ही सॉन्ग मतलब एकदम कमाल के थे। और जो अभी रिसेंटली चला है वो क्या है यार, उसका नेम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी बहुत कमाल है। वैसे आपको हो कि आपको एकदम माइंड में आता और आप गुनगुनाना शुरू करती थी, थोड़ा सा गा के बताएंगे? अच्छा वो चले, तुम ही हो, तुम ही हो, दर्द भी मेरा, मर्ज भी, चैन भी, बस। जबरदस्त जबरदस्त, आप क्या कहती हैं इतना टॉप सिंगर हैं, कोई आगे फ्यूचर में आता हुआ लग रहा है इनके जैसा या अभी करंट कोई मौजूद है इनके लेवल पर? नहीं, इनके जैसा तो फिलहाल मैं कहती हूँ कि अभी तक कोई नहीं आ सकता, ना इंडिया में आ सकता है ना पाकिस्तान में आ सकता है, क्योंकि इनकी आवाज़ यार कमाल की। अगर देखें हल्का से अगर सॉन्ग सुने इनका स्टार्ट से तो दिल करता है कि एंड तक सुने, इस तरह का भी बंदा ना कोई पाकिस्तान में ना इंडिया में आया। नो डाउट आतिफ असलम भी बहुत अच्छा सिंगर है, लेकिन अरिजीत सिंह की बात की तो अरिजीत सिंह का तो बिल्कुल मुकाबला ही नहीं है ना। सही है, बाकी उनके जो गाने हैं वो टॉप क्लास हैं। आपको कौन सा गाना पसंद है ये बताएं? क्योंकि तुम ही हो, जबरदस्त, हाय हाय क्या कमाल का गाना। सुना देना जरा। असल में ना गाना पहले बहुत ज्यादा सुनता था, लेकिन अब थोड़ा सा इसको ना वो किया हुआ स्किप, लेकिन ही तुम ही हो, अब मेरी इतनी अच्छी आवाज नहीं है, लेकिन कोशिश की है मैंने। बहुत अच्छा गाया है, फिर भी काफी अच्छा गा लिया आपने, तो ये डेडिकेट किसको किया? देखने वाली तमाम लड़कियों को। वाह वाह जबरदस्त, ये तो आपने बड़ा ही अच्छा किया, एक टीम में आपने सारे शिकार कर दिए। असल में सारी आप देखो ना मेरी बेगम के अलावा तो सारी वो ही है, वही जिसको कहते हैं SIS। जबरदस्त, अच्छा ये बताएं आप समझते हैं कि अभी जो करंट सिंगर है उसमें कोई अरिजीत सिंह के लेवल का कोई है? नहीं, क्योंकि उसका कोई कहते हैं ना टॉप लेवल पे वो बंदा है और टॉप लेवल का मुकाबला कोई नहीं है। आतिफ असलम बिल्कुल है, लेकिन ये उससे अभी 80% लगाए और अरिजीत सिंह आप 100% लगाएं, मतलब इतना उसमें आप लगा सकते हैं कि अरिजीत सिंह जो है ना वो सिंगिंग के हवाले से बहुत अच्छा है। अब ये देखो इतना सुरूर वाला गाना है, तुम ही हो। अच्छा सर आप ये बताएं आप क्या सोचते हैं इन फ्यूचर में कोई ऐसा लेवल का या सिंगर अभी जो है या अपकमिंग भी कोई ऐसा बन सकता है जो अरिजीत सिंह को बीट कर सके? लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो जबरदस्त चल रही है अभी फिलहाल, कहीं इन फ्यूचर में देखते हैं आप किसी को? जी ऐसे अगर डिफरेंट ऑडियंस को मौका देते रहेंगे मे बी अरिजीत सिंह जैसा कोई और भी आ जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल अरिजीत सिंह जैसा कोई नहीं है। आप देखिए कुछ लोग उनको फॉलो भी बड़ा करते हैं, हर एक चीज उनका स्टाइल, उनका बात करने का स्टाइल, चलने का, तो आपको उनका कौन सा स्टाइल अच्छा लगता है? रियली वो उनका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा है और वैसे भी वो मतलब स्टाइलिश है, अच्छे हैं। और मुझे तो सही बात है अभी भी जो गाना जैसे ही गाना मेरे ज़हन में आया उस वक्त का मैं सोच रहा हूँ उसका गाना बड़ा लवली गाना है, और हकीकत में अभी शायद मैं भी ये अभी प्रोग्राम चल रहा है मैं प्रोग्राम के फौरन बाद दोबारा गाना सुनूं वही अरिजीत सिंह का तुम ही हो। वाह सही, जिस तुम ही हो का सुर लगता है ना आपका, ये तो सुर ऊपर तक चला जाता है बस। जबरदस्त, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।